वहीं भारी बारिश के चलते मंदसौर में शिवना नदी के उफान में होने से एक बार फिर पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह तक पानी पहुंच गया है। लगातार पानी आने से गांधी सागर के दो गेट और कालाबाटा डैम के पांच गेट खोल दिए गए हैं। गांधी सागर बांध का जलस्तर 1310 फीट पहुंच गया है। कलेक्टर मनोज पुष्प के अनुसार लगातार बारिश से गांधी सागर बांध में पानी का बहाव तेज हो गया है। 1310 फीट तक जलस्तर पहुंचते ही मंगलवार को बांध के तीन छोटे स्लूज गेट खोल दिए गए हैं। और ये भी आपको बता दें कि मौसम विशेषज्ञ एस के नायक ने बताया कि अगले पांच दिन तक बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं भारी बारिश के चलते मंदसौर में शिवना नदी के उफान में होने से एक बार फिर पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह तक पानी पहुंच गया है। लगातार पानी आने से गांधी सागर के दो गेट और कालाबाटा डैम के पांच गेट खोल दिए गए हैं। गांधी सागर बांध का जलस्तर 1310 फीट पहुंच गया है। कलेक्टर मनोज पुष्प के अनुसार लगातार बारिश से गांधी सागर बांध में पानी का बहाव तेज हो गया है। 1310 फीट तक जलस्तर पहुंचते ही मंगलवार को बांध के तीन छोटे स्लूज गेट खोल दिए गए हैं। और ये भी आपको बता दें कि मौसम विशेषज्ञ एस के नायक ने बताया कि अगले पांच दिन तक बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं भारी बारिश के चलते मंदसौर में शिवना नदी के उफान में होने से एक बार फिर पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह तक पानी पहुंच गया है। लगातार पानी आने से गांधी सागर के दो गेट और कालाबाटा डैम के पांच गेट खोल दिए गए हैं। गांधी सागर बांध का जलस्तर 1310 फीट पहुंच गया है। कलेक्टर मनोज पुष्प के अनुसार लगातार बारिश से गांधी सागर बांध में पानी का बहाव तेज हो गया है। 1310 फीट तक जलस्तर पहुंचते ही मंगलवार को बांध के तीन छोटे स्लूज गेट खोल दिए गए हैं। और ये भी आपको बता दें कि मौसम विशेषज्ञ एस के नायक ने बताया कि अगले पांच दिन तक बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं भारी बारिश के चलते मंदसौर में शिवना नदी के उफान में होने से एक बार फिर पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह तक पानी पहुंच गया है। लगातार पानी आने से गांधी सागर के दो गेट और कालाबाटा डैम के पांच गेट खोल दिए गए हैं। गांधी सागर बांध का जलस्तर 1310 फीट पहुंच गया है। कलेक्टर मनोज पुष्प के अनुसार लगातार बारिश से गांधी सागर बांध में पानी का बहाव तेज हो गया है। 1310 फीट तक जलस्तर पहुंचते ही मंगलवार को बांध के तीन छोटे स्लूज गेट खोल दिए गए हैं। और ये भी आपको बता दें कि मौसम विशेषज्ञ एस के नायक ने बताया कि अगले पांच दिन तक बारिश का दौर जारी रहेगा।